नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। आपको बता दें, चार लोग रास्ते पर खड़े रहे, जिसके बाद अनियंत्रित ट्रक ने चार लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद यूपी में सड़क दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। बलरामपुर जनपद के थाना कोतवाली देहात अंतर्गत ग्राम आजम नगर के पास एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें चार लोगों को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को संयुक्त जिला चिकित्सालय बलरामपुर में भर्ती कराया गया है, लेकिन हालत गंभीर देखते हुए एक व्यक्ति को ट्रामा सेंटर बहराइच रेफर कर दिया गया। मृत हुए व्यक्तियों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वही दुर्घटना स्थल पर मौके पर थाना कोतवाली देहात के प्रभारी निरीक्षक रमाशंकर यादव, प्रभारी सीओ सिटी प्रेम कुमार थापा ने जायजा लिया, जहां पर लोगों द्वारा बताया गया कि चारों व्यक्ति अपने स्थान पर खड़े हुए थे, जहां पर तेज गति से आ रहे अनियंत्रित ट्रक ने दो लोगों को रौंद दिया, जिनकी मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृत हुए व्यक्तियों का नाम मोहित व राजेश कुमार बताया जा रहा है। घायलों का हाल जानने सदर विधायक पलटू राम संघ जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां ट्रामा सेंटर रेफर हुए व्यक्ति के बारे में जानकारी लेते हुए सरकारी लाभ दिलाने का आश्वासन भी दिया। अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ सरकार दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने की बात कह रही है, वहीं लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। हम लोग आ रहे थे खाना खाने के रात तक, तो बाद में आ रहे थे तो सब लोग आपस में, तो लोग और थे, तो लोग आगे चले आए, हम लोग बाद में गाड़ी थे, उसका नाम है संजय और मेरा नाम है। उसके बाद में हम लोग दो लोग मेरे को मिले थे रास्ते में, हम लोग आपस में बात करने लगे, और इसके भी दो लोग उसका था। उसके बाद में खड़े थे दोनों तरफ गन्ना था, इधर उसके बाद में ट्रक आया, उसने देखा नहीं पहले तो आकर मेरे को चौंका। उसके बाद में दो लोग बाजू में खड़े थे, उसको दोनों के ऊपर चढ़ा दिया, एक भाई और उठा दिया है। गाड़ी स्पीड में थी, बहुत स्पीड में थी, पूछना कितने। आज बलरामपुर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में फरिंदा मोड़ के पास एक दुर्घटना हो गई, जिसमें एक DCM वाहन वहां पर अनियंत्रित हो गया। वहां पर चार लोग मौजूद थे, जिसमें तत्काल दो लोगों की इससे वहां पर मृत्यु हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच करके उनको हॉस्पिटल भेज दी है, वाहन को कब्जे में ले लिया गया है और समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। संबंध में दो लोगों की मृत्यु हुई, दो सामने क्या कहना? अभी अभी बहुत दुखद समाचार मिला है कि अजब नगर फरेंदा मोड़ पर दो बच्चों की बहुत दर्दनाक मौत हो गई है, जिसमें पिकअप पर कुछ खाद्यान्न लदकर जा रहा था और अनियंत्रित होकर के उस पिकअप से दोनों बच्चे पिकअप के नीचे दब गए हैं। बहुत दुखद समाचार है। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि इन दोनों बच्चों के परिजनों को भगवान इतनी बड़ी संकट से उबरने के लिए शक्ति दें। और अभी जो लोग इंजर्ड हैं, उसमें एक लड़के को रिफ़र कराया गया है बहराइच हॉस्पिटल के लिए। हम लोग बहराइच हॉस्पिटल में भी संपर्क कर रहे हैं कि उस बच्चे का समुचित इलाज हो जाए। जो बच गया है, ऊपर वाले से कामना करते हैं कि उनको बचाएं। और जो हादसा हुआ है, इस हादसे के बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं और जो भी सहयोग हम लोगों से होगा, सरकार से होगा, हम मृतक के परिजनों को दिलाएंगे। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज।